कांग्रेस ने 11 में से बाकी बची 4 सीटों पर प्रत्याशियों को मैदान में उतारा, जिसके बाद उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बस्तर से हमारे प्रत्याशी के कमल के निशान के लिए आज नामांकन रैली है। पिछली बार बस्तर लोकसभा सीट से हम चूक गए थे, ये नामांकन रैली हमारी जीत का परचम लहराने वाली होगी। इसके साथ ही पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट को लेकर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि ईवीएम मशीन की प्रशंसा समस्त विश्व में है, ईवीएम मशीन को हैक करो जब ये कहकर इलेक्शन कमीशन सामने खड़ा होता है तब कोई नहीं आता, जब आपकी स्वयं की बम्पर सरकार बनती है तब ईवीएम ठीक होती है। बस्तर में हमारे प्रत्याशी के लिए कमल के निशान के लिए आज नामांकन रैली है। पिछली बार वहाँ लोकसभा से में हम चूक गए थे, परंतु भारतीय जनता पार्टी और बस्तर में भाजपा की वर्तमान सरकार की नीतियाँ, उन सबको मिलाकर मैं बिल्कुल पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ कि आज की नामांकन रैली ये जीत का परचम लहराने वाली है। मशीन की प्रशंसा समूचे विश्व में, सिर्फ भारत में नहीं समूचे विश्व में। ईवीएम मशीन को आप हैक करो ये कहकर इलेक्शन कमीशन सामने खड़े होता है तो कोई नहीं आते, और आपकी स्वयं की जब बड़ी बंपर सरकार बनती है तब भी ईवीएम ठीक होता है, और जब भी आपको चुनाव लड़ना होता है तब ईवीएम खराब हो जाता है।